नमस्कार दोस्तों, ओमनीसियन चैनल में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, ओमनीसियन इंग्लिश के तहत ये जो है चल रहा है क्लास, बहुत ही महत्वपूर्ण। और आप देख रहे हैं इस वीडियो में कि कैसे आसान तरह से अंग्रेजी को पढ़ा जा सकता है, वो वाला तो आपने देख लिया। सेशन बहुत लंबा चला और किस तरह से आसानी से अंग्रेजी लिखा जाता है, साथ साथ अगर लिखना हुआ अंग्रेजी को बोलते हैं तो बोलने भी आप सीख जाएंगे। चाहे भले ही अपना नाम हो, अपना इंट्रो हो, अपने बारे में कुछ कुछ जानकारियां हो, और धीरे धीरे प्रैक्टिस करते तो बहुत कुछ। तो देखिए, चलिए सब कुछ जो है दोस्तों हम लोग सीख सकते हैं, और आसान से आसान तरह से दोस्तों कि कैसे अंग्रेजी को एकदम ग्रामर बेस्ड लिखना सीख सकते हैं, बोलना सीख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं पहला जो नोटाबीना है, इसमें आई वी यू यू ये चारों सब्जेक्ट के जो है सारों सब्जेक्ट जो है छोड़कर कुछ भी इसके अलावा कोई और सब्जेक्ट होता है तो सभी के सभी थर्ड परसेंट में ही समझना होगा। अब उसके बाद देखिए, कंजुगेशन फॉर्म जो होता है वो चार प्रकार के होते हैं। ठीक है, चार प्रकार का कंजुगेशन फॉर्म होता है, अफर्मेटिव, निगेटिव। ठीक है, अफर्मेटिव जिसे स्वीकारात्मक बोलते हैं, निगेटिव जिसे आज आप देखेंगे इस वीडियो में और जिसका हिंदी होता है नकारात्मक, और इंट्रोगेटिव जिसका हिंदी होता है प्रश्नवाचक, और इसके बाद से निगेटिव इंट्रोगेटिव जिसका हिंदी आपको नकारात्मक प्रश्नवाचक पता चलता है मतलब क्योंकि है। और दोस्तों यहाँ पर अफर्मेटिव आपने देख लिया है, अगर मिस कर रहे हैं तो 7 मिनट पर जाकर 7 मिनट पर आपको आई बटन में यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, आएगा डिस्प्ले, वहाँ से मिल जाएगा। अब देखिए इम्पॉर्टेंट क्यों है, कंजुगेशन फॉर्म किससे कहते हैं, तो सब्जेक्ट के साथ जो पर आप देख चाहे आई वी यू यू इसके साथ जो है वर्ब के परिवर्तन को ही कंजुगेशन फॉर्म मिलता है। तो हर एक सब्जेक्ट में अलग 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 सब्जेक्ट होता है तो उसी हिसाब से वर्ब भी चेंजेस होते हैं। तो चलिए अफर्मेटिव के बाद आपने मतलब अफर्मेटिव को देखा और आपने कुछ सीखा, तो अब निगेटिव की बारी है। निगेटिव कैसे कैसे सेंटेंस होते हैं, इसी के हिसाब से किस किस तरह के सेंटेंस बनेंगे। उससे एक और बात समझिए, मेसेज का मतलब होता है, जैसे मेसेज पढ़ते हैं बहुत, और इसके अलावा हु मीन्स होता है जो, जब आदमी बोध कराता है वहाँ पर हु लिखना है, चाहे लड़का लड़की, बच्चा बूढ़ा युवा, है ना, या औरत हो लड़की हो कुछ भी हो। अगर विच है तो सब जब प्राणी वस्तु बोध कराता है वहाँ पर बीच का प्रयोग करना, हु को नहीं करना होता है। ठीक है, अब देखिए नेगेटिव को समझिए। नेगेटिव यानी न कहना, नकारात्मक। इस वाक्य में हिंदी में नहीं न लिखा रहा है, इंग्लिश में नो नॉट लिखा रहा है, उसे नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं या नकारात्मक सेंटेंस कहते हैं। तो नेगेटिव यानी इसमें आप इंग्लिश टू हिंदी चार्ट देख रहे हैं, पहले इंग्लिश रहेगा फिर हिंदी रहेगा। तो पहले देखिए सिंगुलर नंबर की बात करते थे, सिंगुलर नंबर क्या होता है, सिंगुलर नंबर का मतलब होता है एक वचन। क्या होता है एक वचन, ऐसा है ना जिसमें एक ही एक व्यक्ति हो, और प्लुरल मीन्स होता है बहुवचन जिसमें दो व्यक्ति हो या दो से अधिक व्यक्ति हो उनसे जुड़े हुए, सब्जेक्ट मतलब दो से अधिक वाले हो, बहुवचन में हो। तो सिंगुलर नंबर, प्लुरल नंबर। अब इसका ए फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन होता है, तो फर्स्ट पर्सन जो होता है उसको आई, आप जानते ही है ना, फर्स्ट पर्सन आई होता है और उसके साथ एम लगता ही है, और उसके साथ नेगेटिव लगाना है तो नॉट लगाना ही होगा। तो आई एम नॉट, मैं नहीं हूँ, इसका बहुवचन हो जाता है वी आर नॉट, हम लोग नहीं हैं, आप लोग नहीं हैं, हम लोग नहीं हैं। सेकेंड पर्सन होता है यू, और इसके सही आर लगता है और इसमें नॉट लगा देंगे, तुम नहीं हो, आप नहीं हो, और इसी का बहुवचन सेकंड का प्लूरल नंबर होता है यू आर नॉट, यू आर नॉट, तुम लोग नहीं हो, आप लोग नहीं हो, है ना। नेक्स्ट देखिए थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन जो होता है तो ही इज़ नॉट मीन्स वह, जो कि पुरुषों के लिए है, लड़का के लिए है, बूढ़ा के लिए है, है ना, तो वह नहीं है, और इसी का बहुवचन होता है दे आर, ही का दे, इस का आर, नॉट का तो नॉट कोई परिवर्तन होगा नहीं बहुवचन में, प्लुरल में, तो दे आर नॉट, वे लोग नहीं है। कॉपी पे लिखेंगे इसे, सी इज नॉट, वह नहीं है, दे आर नॉट, वे लोग
नहीं है, वेलो नहीं है। तो दोस्तों जब तक बोलने नहीं आएगा, जैसे लिखना हो, बोलना हो अपने बारे में, अपने ही बारे में पांच सेंटेंस मैं कहूँगा कि बोलिए बोलिए पांच सेंटेंस अपने बारे में। आप दिमाग में लगा कर शुरू शुरू में हो सकता है कि सोचना पड़े, लेकिन बाद में तो कम से कम सोचना नहीं पड़ेगा। जैसे आई एम नॉट पुलिस हो गया, आई एम नॉट इंजीनियर, मैं बोल रहा हूँ अपने बारे में, आई एम नॉट अ स्मार्ट गाय, ठीक है, आई एम नॉट अ प्लेयर, देखिए चार तो हो ही गया ना, आई एम नॉट अ फूल, आई एम नॉट अ फूल, कितना इजी मैंने पांच सेंटेंस बनाया। तो एक वाक्य को पकड़ लिया मैंने आई एम नॉट, और आई एम नॉट को लेकर मैंने पांच सेंटेंस को बोल दिया, ठीक है। तो आप क्या नहीं बोल सकते हैं क्या? तो पांच मैंने बोला तो सूची मुझे इंग्लिश बोलने आ गया, मैंने इंग्लिश बोला, जरूरत के अनुसार जब मैं बोलूँगा तो उसकी उपयोगिता कितना इम्पोर्टेंट हो जाएगा। जब कोई बोलेगा कि आप कौन है, आप क्या क्या बोल, कोई बोल देगा आर यू अ टीचर, या बोले आर यू पुलिस मैन, तो आप बोलिए ना आई एम नॉट अ पुलिस मैन, आर यू इंटेलिजेंट, तो आप बोलेंगे ना कि आई एम नॉट अ फूल, ऐसा बोल सकते हैं, आई एम नॉट अ फूल, आई एम इंटेलिजेंट, कई तरह के सेंटेंस कई तरह से बोल सकते हैं। तो चलिए इसीलिए लिखना जरूरी है दोस्तों, अगर लिख कर ही आप सीख जाएंगे 100% गारंटी इस बात की है। इट इज नॉट, यह नहीं है, इट का दे, इसका आर, नॉट का नॉट, वे लोग नहीं, इट इज नॉट, दे आर नॉट, यह नहीं है, वे लोग नहीं, दिस इज नॉट, दिस का दीज, इसका आर नॉट, दीज आर नॉट, यह नहीं है, ये सब नहीं है। नेक्स्ट है दैट इज नॉट, इसका बहुवचन होता है दोज आर नॉट, दैट का दोज आर नॉट, वह नहीं है, है ना, वह नहीं है, वे सब नहीं है। समझने का प्रयास करिए, मैं समझाता हूँ आपको, नहीं तो फिर ऊपर से ही निकल जाएगा। सिर्फ लिखना ही नहीं, समझना है। देखिए इट जो है मौसम समय के बताने के लिए, इसका माँ बाप ने था उसके लिए, ठीक है, यानी जहाँ सब्जेक्ट गायब रहता है वहाँ पर इट लगा लेते हैं हम लोग। दूसरी बात, इट के बाद कभी भी नाउन को नहीं लिखना, नाउन वर्ड को नहीं, जैसे कि इट के बाद बॉय पेन, ऐसा नहीं, इट पेन नहीं लिखना होता, इट बॉय, इट मोबाइल नहीं लिखी है, तो ये चीज़ भी समझना होगा। दिस नज़दीक के लिए होता है, तो दिस इज नॉट, ठीक है, और दिस का दिज हो जाएगा, दिज आर नॉट, दैट दूर के लिए होता है, इसका प्रयोग होता है दोज, तो दिस दिस दैट इज नॉट, दोज आर नॉट। नेक्स्ट देखिए, दिस बॉय इज, यह लड़का, नॉट, दिस बॉय इज नॉट, दिस बॉयज आर नॉट, दिस बॉयज आर नॉट। नेक्स्ट है यह लड़का नहीं है, ये सब लड़के नहीं हैं। नेक्स्ट देखिए, दिस मैन इज नॉट, दिस मैन आर नॉट, यह आदमी नहीं है, ये सब आदमी लोग, यहाँ पर लोग कर देंगे, ये सब आदमी लोग नहीं है, है ना, ये सब आदमी लोग नहीं है। अगला देखिए, दैट गर्ल इज नॉट, दैट का दोज हो जाएगा, दोज गर्ल्स आर नॉट, वह लड़की नहीं है, और दैट का दोज होगा तो वे सब लड़कियाँ नहीं हैं। दैट डॉग इज नॉट, दैट का दोज डॉग्स आर नॉट, वह, देखिए दैट का हो जाएगा, दैट डॉग मीन्स वह कुत्ता नहीं है, वे सब कुत्ते नहीं हैं। माई फादर इज नॉट, मेरा पिताजी, है ना, नहीं है, और आवर फादर्स आर नॉट, हमारे पिताजी लोग नहीं हैं। योर ब्रदर इज नॉट, तुम्हारा भाई नहीं है, योर्स ब्रदर्स आर नॉट, तुम्हारे भाई सब नहीं है, तुम्हारे भाई सब नहीं है। सबको लिखना है, एक बार याद नहीं करना है, कॉपी पे लिखना है, और बोल बोल कर, जैसे मैं बोल बोल कर बता रहा हूँ उसी तरह से आपको करना है। देखिए हीज अंकल इज नॉट, हीज का देयर हो जाएगा,
अंकल का अंकस हो जाएगा, आर नॉट। उसका चाचा नहीं है, वे लोग के चाचा लोग नहीं है। हिज सिस्टर इज नॉट, उसका बहुवचन प्लुरल हो जाएगा, देयर सिस्टर आर नॉट। ठीक है, अब यहाँ पर नहीं लगा लीजिए, यहाँ पर नहीं लगा लीजिए। उसकी बहन नहीं है, वे सबकी बहनें नहीं हैं। द हाउस ऑफ दिस मैन इज नॉट, द हाउस ऑफ दिस मैन इज नॉट, तो यानी कि दिस मैन जो है, दिस मैन से स्टार्ट होता है, या इस आदमी, दिस मीन्स होता है यह भी और इस भी, तो इस आदमी का मकान यह आदमी का मकान नहीं है। दीज मेन है ना, तो देखिए ये सब आदमी लोग के मकाने, इस सब आदमी लोग के मकाने नहीं है, है ना। द हाउस ऑफ दिस मेन आर नॉट, द मैन ऑफ दिस हाउस इज नॉट, द मैन ऑफ दिस हाउसेज आर नॉट, यह मकान का आदमी नहीं है। यह मकान, देखिए दिस हाउस यहाँ पर आ गया, दिस हाउस ऑफ मैन मीन्स आदमी, दीज है ना, ये सब मकानों के आदमी लोग, यहाँ एन एन लगा दीजिए, एम ई एन मेन, आदमी लोग, मैन नहीं होगा, मेन, मैन का मेन। द मेन ऑफ दीज हाउसेज आर नॉट, माई पेन इज नॉट, मेरा कलम नहीं है, आवर पेन्स आर नॉट, हमारा या हम लोग के कलमे नहीं हैं। नेक्स्ट देखिए, शिव इज नॉट, नाम है, नाम के पहले एम एस लग गया, इसका मतलब है तो कि नाम बहुवचन में बदल गया, मेसर्स, इसे मेसर्स बोलते हैं, शिव आर नॉट, एस नहीं लगाएंगे शिव में, यानी शिव लोग, शिव नहीं है, मेसर्स शिव आर नॉट का मतलब शिव लोग नहीं है। नेक्स्ट देखिए, सीता इज नॉट, इसका मतलब होता है मेसर सीता आर नॉट, सीता नहीं है ना, सीता इज नॉट, मेसर सीता आर नॉट, सीता नहीं है, सीता लोग नहीं है। नेक्स्ट है राम सिस्टर्स आर नॉट, इसी का बहुवचन होता है, मेसर्स लगा लेंगे, मेसर्स और ये एपोस्ट्रोफी बोलते हैं, इसका मतलब काके की होता है, तो मिसेस राम सिस्टर्स आर नॉट, हिंदी है राम सिस्टर इज नॉट का, राम की बहन नहीं है, मिसेस राम सिस्टर्स आर नॉट का, राम लोग की बहनें नहीं हैं। ठीक है, नेक्स्ट है तो श्याम्स एपोस्ट्रोफी है, श्याम्स ब्रदर इज नॉट, इसका बहुवचन मिसेस श्याम्स ब्रदर्स आर नॉट। ठीक है, हिंदी है श्याम्स ब्रदर्स इज नॉट का, श्याम का भाई नहीं है, और मेसर श्याम्स ब्रदर्स आर नॉट का, श्याम लोग के भाई लोग नहीं हैं। तो दोस्तों सावधानी से इसे पढ़कर समझिए, एक बार फिर से पढ़िए, लिखते समय जब आप पढ़ते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि आप क्लियर, आपके दिमाग में दोनों बात जाता है कि लिख क्या रहे हैं और आप बोल क्या रहे हैं, ये दोनों बात आपके दिमाग में बहुत आसानी से जाएगा, जिससे कि आपको बहुत जल्दी से इंग्लिश लिखना और बोलना दोनों आएगा। अब देखिए हु आर नॉट, यहाँ से आर ही का तो परिवर्तन हो रहा है ना, बाकी सब चीज़ें सेम टू सेम है। जो नहीं है, हु मीन्स जो सब, बहुवचन में जो सब हो जाएगा, सिंगुलर में सिंगल जो हो जाएगा, हु इज नॉट जो नहीं है, Who are not जो सब नहीं है। Next है तो which is not, which are not, यानी जो नहीं है, जो सब नहीं है, which are not, which is not, जो नहीं है, जो सब नहीं है। The boy who is not, द बॉय है ना, हु के पहले बॉय आ गया, द बॉय हु इज नॉट,
और हु के पहले बॉय का एस लग, बॉय में एस लग गया तो बॉयज हो गया, बहुवचन हो गया। द बॉयज हु, द बॉयज हु, द बॉयज हु आर नॉट, जो लड़का नहीं है, जो सब लड़के नहीं हैं। नेक्स्ट है द मैन हु इज नॉट, द मैन हु आर नॉट, ठीक है, जो आदमी नहीं है, जो सब आदमी लोग नहीं हैं। नेक्स्ट देखिए द गर्ल हु, द गर्ल हु इज नॉट, द गर्ल्स हु आर नॉट, जो लड़की नहीं है, जो सब लड़कियां नहीं हैं। नेक्स्ट है द काउ विच, द काउ विच इज नॉट, द काउज विच आर नॉट, यानी दोस्तों जो गाय नहीं है, जो सब गायें नहीं हैं। नेक्स्ट है द बुक विच इज, द बुक विच इज नॉट, द बुक्स विच आर नॉट, यानी कि जो किताब नहीं है, जो सब किताबें नहीं हैं। ठीक है, तो इसे अच्छे से देख लीजिए, कॉपी पे नोट कीजिए, बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा आपके लिए दोस्तों। तो चलिए अगला देखते हैं, द ओल्ड ब्लाइंड मैन, द ओल्ड ब्लाइंड मैन इज नॉट, द ओल्ड ब्लाइंड मैन आर नॉट, जो बूढ़ा अंधा आदमी नहीं है। द ओल्ड ब्लाइंड मैन इज नॉट, द ओल्ड ब्लाइंड मैन, मैन मैन है ना, मैन आर नॉट, जो बूढ़ा अंधा आदमी नहीं है, जो बूढ़ा अंधा आदमी नहीं, आदमी सब नहीं है। हीज हार्ड, हीज हार्ड प्रॉब्लम इज नॉट, हीज का देर हो जाएगा, देयर हार्ड प्रॉब्लम का प्रॉब्लम्स हो गया, आर नॉट, उसका कठिन समस्या नहीं है, वे सब कठिन समस्याएं नहीं हैं। फिर देखिए हीज हार्ड इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज नॉट, हीज का देर हो जाता है तो देयर हार्ड इकोनॉमिक प्रॉब्लम का प्रॉब्लम्स हो गया, आर नॉट, उसका कठिन आर्थिक समस्या नहीं है, वे सब कठिन आर्थिक समस्याएं नहीं हैं। अब देखिए लास्ट सेंटेंस देखिए, आज के परिप्रेक्ष्य में मैंने इसे लिखा है, द पीएम यानी पीएम मीन्स प्राइम मिनिस्टर, पीएम ऑफ दिस कंट्री इज नॉट, इस देश के प्रधानमंत्री नहीं है, किसी के बारे में भूल दिया जाए, और इसका बहुवचन होगा द पीएमएस यानी प्राइम मिनिस्टर्स, है ना, द प्राइम मिनिस्टर्स एस लग गया इसलिए द पीएमएस, पीएम्स, द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ दीज कंट्रीज आर नॉट, ये सब देशों के प्रधानमंत्री सब नहीं है, यानी मिक्सअप है। तो दोस्तों ऐसे करके आप तरह तरह के भिन्न भिन्न प्रकार के सेंटेंस बनाइए, ये मतलब क्रिएट कीजिए, क्रिएशन से ही आप में जो है गुणवत्ता आपकी बढ़ेगी इंग्लिश लिखने में, बोलने में। दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि अगला वीडियो दोस्तों इंट्रोगेटिव पर है, तो आप देखना ना बोले अगला वीडियो। धन्यवाद, थैंक्स वॉचिंग।